हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने ही चैनल पे। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो ये बूशर बस्टर वर्सेस दर्शक टाइटंस की टीम के बीच में जो ये ओमान D20 का 16वां मैच खेला जाएगा, इस मैच के बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखना ताकि आपको यहाँ पर सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाए और आप लोग अपनी खुद से बेहतरीन टीम बना पाओ। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग यहाँ पर डेट एंड टाइम की बात करें तो ये मैच 1 अक्टूबर रात 9 बजे से अल अमीरात क्रिकेट ग्राउंड ओमान में खेला जाएगा। मैच फॉर्मेट की बात करें तो T20 का ये फॉर्मेट रहने वाला है। अगर दोस्तों अभी तक आप लोग मेरे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो आप लोगों का टेलीग्राम से जुड़ना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि टॉस के बाद की सारी अपडेट आपको मेरे टेलीग्राम पर ही मिलेगी और जो इस मैच की फाइनल टीम होगी वो भी मैं आपको अपने टेलीग्राम पर ही देने वाला हूँ। तो इस वजह से आप लोगों का टेलीग्राम से जुड़ना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, तो आप लोग जुड़ जाइए। लिंक आपको इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल का। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं पिच रिपोर्ट से। तो दोस्तों इस पिच की बात करें तो ओवरऑल ये बैटिंग विकेट रहता है, यानी कि बैटिंग के लिए अच्छा विकेट रहता है और यहाँ पे जो विकेट मिलते हैं वो पेसर्स को ज़्यादा मिलते हैं। तो उसी के हिसाब से आप लोग यहाँ पे अपनी टीम क्रिएट करना। अब यहाँ पे दोस्तों हम लोग पहले बात करते हैं बूशर बस्टर्स की टीम की। तो यहाँ पे दोस्तों बूशर बस्टर्स की टीम ने अभी तक इस सीरीज में 3 मैच खेले हैं जिसमें से 1 जीता है और 2 मैच इन्होंने हारे हैं। तो ये इनका परफॉर्मेंस रहा है। अब यहाँ पे दोस्तों बूशर बस्टर्स की प्लेइंग 11 की बात करें तो आपको यहाँ पे आकिब इलियास और यहाँ पे पृथ्वी मच्छी दोनों ओपनिंग करते हुए देखेंगे। तो इन दोनों का आप लोग यहाँ पे स्टार्ट भी देख सकते हैं। आकिब इलियास ने अभी तक 30 मैच खेले हैं T20 के, 706 रन्स बनाए हैं, 28 का एवरेज है, 7 विकेट। तो ये इंपॉर्टेंट प्लेयर है, अभी ओमान की टीम से भी ये खेलते हैं अपनी नेशनल टीम से, तो इंपॉर्टेंट रहेंगे। उसके अलावा रिसेंट देखेंगे तो रिसेंट भी इनका काफ़ी अच्छा रहा है। फर्स्ट मैच में 117 बनाए, 1 विकेट निकाला, 3 ओवर की बॉलिंग कराई और लास्ट मैच में 4 रन्स बनाए, 0 विकेट, 2 ओवर। तो दोनों मैच में 5 ओवर की बॉलिंग डाली है प्लस अच्छा खासा परफॉर्म भी किया, तो इंपॉर्टेंट रहेंगे और CVC के अच्छे ऑप्शन रहने वाले। पृथ्वी मच्छी की दोस्तों बात करें 33 मैच में 772 रन से 24 का इनका एवरेज है, 13 विकेट। तो बॉलिंग पार्ट टाइम ही कराते हैं और इस सीरीज में भी जो 3 मैच खेले हैं उसमें बॉलिंग नहीं कराई है। फर्स्ट में 8 बनाई, लास्ट उसके बाद 14, लास्ट में 34। तो इस तरह से इनका स्कोर रहा है। अदीब उस्मानी इनके टीम के विकेट कीपर बल्लेबाज हैं, 3 मैच में 105 रन से 35 का एवरेज है। रिसेंट देखेंगे तो 27-10-68, ये इसी सीरीज में इनका स्कोर रहा है। उसके अलावा दोस्तों वसीम अली की बात करें तो इन्होंने फर्स्ट मैच खेला उसमें 6 रन्स बनाए, 3 विकेट निकाले, 3 ओवर की बॉलिंग कराई। सेकंड मैच में 29 नॉट आउट प्लस 0 विकेट, 2 ओवर। लास्ट मैच में 39 प्लस 3 विकेट, 4 ओवर। तो अच्छा खासा परफॉर्मेंस रहा है और ओवरऑल भी देखेंगे तो 29 का एवरेज रखते हैं बैटिंग से और 45 मैच में 51 विकेट भी ले चुके, तो इम्पोर्टेंट रहेंगे और CVC भी आप लोग इनको ट्राई कर सकते हो जिस तरह से इन्होंने परफॉर्मेंस किया है। आसिफ खान की दोस्तों बात करें, ठीक ठाक प्लेयर हैं, लगभग एवरेज है 20 का एवरेज है, 10 मैच में 184 रन है, 4 विकेट। तो इस तरह का इनका रहा इस सीरीज में देखेंगे तो फर्स्ट मैच में 11 बनाए, उसके बाद 50 नॉट आउट की एक अच्छी पारी खेली, उसके बाद 7 प्लस 1 विकेट और 1 ओवर की इनको बॉलिंग मिली। तो ओवरऑल एक एवरेज है, उतना अच्छा स्टार्ट नहीं है पर फिर भी एक मैच में अच्छा खासा परफॉर्म कर गए थे, तो आप लोग ट्राई कर सकते हो। सुफियान महमूद की बात करें दोस्तों तो ये इंपॉर्टेंट रहेंगे, अपनी टीम की कप्तानी कर रहे हैं और इनका अगर आप देखेंगे तो तीनों ही मैच में 4-4 ओवर की पूरी बॉलिंग करा रहे हैं और विकेट भी निकाले। लास्ट मैच में 2 विकेट मिला, उससे पहले 2 विकेट मिले और यहाँ पे विकेट लेस रहे। तो इस तरह का बैटिंग से कुछ खास नहीं है पर बॉलिंग से अच्छा रखते हैं। हम्मद मिर्जा का दोस्तों देखेंगे 10 मैच में 167 रन, 21 का एवरेज और तीनों ही मैच में लगभग कुछ किया नहीं है, तो GL की टीम में ट्राई कर लेना। फयाज बुट दोस्तों अपनी टीम के इंपॉर्टेंट प्लेयर है, इनको आप लोग जरूर लेके चलना। फर्स्ट मैच में पूरे 4 ओवर कराए, 2 विकेट निकाले, सेकेंड मैच में भी यहाँ पे 2 विकेट लिए, 4 ओवर। लास्ट में ओवर इनके जरूर कट गए, 2 ओवर मिले पर फिर भी 2 विकेट लेके गए और अच्छी खासी हिटिंग भी कर लेते, तो ये इंपॉर्टेंट रहेंगे, इनको आप लोग लेके चलें। इनके अलावा दोस्तों यहाँ पे आसिम कमल हैं, इनका देखेंगे 47 मैच, 486 रन, 15 का एवरेज, 56 विकेट। तो ओवरऑल ठीक ठाक है इनका, फर्स्ट मैच में 4 बनाए, बॉलिंग नहीं मिली, सेकंड मैच में 3 ओवर की बॉलिंग मिली, विकेट नहीं मिला, उसके बाद जो लास्ट मैच हुआ उसमें 2 ओवर डाले, 1 विकेट निकाला। तो ओवरऑल ठीक ठाक प्लेयर है, हालांकि बॉलिंग उतनी ज़्यादा इनको मिल नहीं रही है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे अकील खान, इनका देखेंगे 2 मैच में 6 ओवर की बॉलिंग कराई है, 1 विकेट निकाला है, ओवरऑल 7 मैच खेले हैं T20 के, 5 विकेट
ले चुके हैं। सैयद मुजम्मिल का देखेंगे, 5 मैच में 2 विकेट है T20 में, इस सीरीज में 1 मैच खेला जिसमें 3 ओवर की बॉलिंग कराई है, 1 विकेट निकाला है। तो ये रहा। अब दोस्तों इनके टीम से इंपॉर्टेंट प्लेयर की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे दोस्तों आकिब इलियास इंपॉर्टेंट रहेंगे, उसके अलावा अदीब उस्मानी इनके विकेट कीपर बल्लेबाज हैं इंपॉर्टेंट रहेंगे, वसीम अली इंपॉर्टेंट हैं, उसके अलावा यहाँ पे सूफियान मोहम्मद महमूद यहाँ पे ये 4, और नीचे से अगर आप देखेंगे तो फयाज भुट्टो। तो ये 5 प्लेयर इनके टीम से इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, इनको आप लोग अपनी टीम में लेके जरूर चलना। अब यहाँ पे दोस्तों जो इनके बेंच में प्लेयर बैठने वाले हैं आप लोग इनका भी यहाँ पे स्टार्ट्स देख सकते हो। तो यहाँ पे दोस्तों फवाद अली ये अभी खेल नहीं रहे हैं, अगर खेलते तो आप लोग यहाँ पे स्टार्ट्स देख सकते हो। 2 मैच इन्होंने खेले हैं T20 डोमेस्टिक के जिसमें 2 इनिंग में 2 विकेट निकाल चुके हैं। इस सीरीज में भी इन्होंने 2 मैच खेले हैं पर लास्ट मैच नहीं खेला था, तो आप इनका परफॉर्मेंस यहाँ पे देख सकते हो। फर्स्ट मैच में 3 रन बनाए, 2 विकेट निकाले, 3 ओवर की बॉलिंग मिली, उसके बाद सेकेंड मैच में भी 3 ओवर कराए जिसमें विकेट नहीं मिला। तो ओवरऑल दोस्तों ठीक ठाक प्लेयर अगर खेलते तो आप लोग ट्राई कर सकते हो। हमद इरफाक की बात करें 28 मैच खेले हैं, 368 रन है, 15 का इनका एवरेज है T20 में, इस सीरीज में 1 मैच खेला जिसमें 16 बनाए हैं। सुब्बू पाल दोस्तों अगर मौका मिल जाता है तो इनका काफ़ी अच्छा है, 7 मैच में 159 रन है, 31 का एवरेज है, तो अगर खेलते तो आप लोग ट्राई कर सकते हो। बिलाल मोहम्मद की बात करें 31 मैच की 31 इनिंग में 39 विकेट है, तो ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। हालांकि इस सीरीज में जो अभी 1 मैच खेले हैं उसमें इनको विकेट नहीं मिला था, 3 ओवर की बॉलिंग कराई थी। इमरान अली का देखेंगे 9 मैच में 67 रन, 8 का एवरेज, 5 विकेट, तो ये है। अब यहाँ पर दोस्तों हम लोग बात करते हैं दरसेट टाइटन्स की टीम की। तो यहाँ पर दोस्तों इनके टीम की बात करें तो इन्होंने अभी तक इस सीरीज में 3 मैच खेले हैं जिसमें से 2 जीते हैं, 1 हारा है, तो काफ़ी अच्छा इनका परफॉर्मेंस रहा है। अब यहाँ पर दोस्तों हम लोग इनकी प्लेइंग 11 की बात करें तो यहाँ पे आपको आमिर कलीम ओपनिंग करते हुए देखेंगे, अपने टीम के कैप्टन है, 46 मैच में 1083 रन से 30 का इनका एवरेज रहा है, 55 विकेट है, तो इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट मैच में देखेंगे तो पूरे 4 ओवर की बॉलिंग कराई, 18 रन्स बनाई, विकेट नहीं मिला, उसके बाद सेकंड मैच में 2 ओवर कराए इसमें भी विकेट नहीं मिला, ना बैटिंग ना बॉलिंग का किसी से भी परफॉर्म नहीं किया, लास्ट मैच में 10+1 विकेट और 3 ओवर की बॉलिंग। तो ओवरऑल दोस्तों अच्छे प्लेयर हैं, पर वही बात है इनके भी ओवर ये अपने मतलब काट रहे हैं, क्योंकि खुद ही कैप्टन है तो अपने ओवर खुद काट के कर रहे हैं, यानी कि वैसे तो पूरे 4 ओवर डालते हैं पर इस सीरीज में उनके ओवर कटे है, पर फिर भी इंपॉर्टेंट रहेंगे, ओपनिंग पर आ रहे हैं और प्लस 3 से 4 ओवर की आपको बॉलिंग दे रहे हैं, तो लेना इनको इंपॉर्टेंट रहेगा। अब्बास खान की दोस्तों बात करें, 3 मैच में 135 रन से 45 का एवरेज है जो कि इसी सीरीज में इन्होंने बनाए हैं, तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा इनका, आप यहाँ पर देख के चल सकते हैं। अजय ललचेता की दोस्तों बात करें तो 28 मैच इन्होंने खेले, 537 रन से 22 का एवरेज है, 29 विकेट है, फर्स्ट मैच में 1+1 विकेट, 4 ओवर, सेकेंड मैच में 68 रन की पारी खेली, विकेट नहीं मिला, 1 ओवर की बॉलिंग कराई, लास्ट में 35 रन्स बनाए पर बॉलिंग नहीं मिली, पर फिर भी दोस्तों इंपॉर्टेंट रहेंगे क्योंकि 1 डाउन पे आ रहे हैं और बॉलिंग भी करा सकते हैं। रविंद्र करुणारत्ने की दोस्तों बात करें तो इनका काफ़ी अच्छा है, 32 का एवरेज रखते हैं, 1 विकेट भी है पर ये बॉलिंग नहीं कराएंगे, बॉलिंग से आप लोग उम्मीद मत करना, फर्स्ट मैच में 36 बनाए, सेकेंड में 2 बनाए, लास्ट में 35 नॉट आउट की पारी रही। जीशान मकसूद अपने टीम के इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, इंपॉर्टेंट ऑलराउंडर हैं, 59 मैच खेल चुके हैं अभी तक T20 में, 1255 रन से 30 का एवरेज है, 41 विकेट है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल टीम से भी मतलब खेलते हैं, सॉरी दोस्तों इंटरनेशनल मैचेस भी ये खेलते हैं, तो इंपॉर्टेंट है, ओमान की टीम से खेलते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट रहेंगे इनका। अगर आप देखेंगे फर्स्ट मैच में 11 बनाए, 1 विकेट निकाला, 2 ओवर की बॉलिंग कराई, सेकेंड मैच में 10 नॉट आउट, 2 विकेट, 4 ओवर, तो इंपॉर्टेंट है, इनको आप लोग लेके ही चले, और CVC भी अगर आप लोग ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो। शेख साहिल की बात करें विकेट कीपर बल्लेबाज के, पर कुछ खास स्टार्ट्स है नहीं, 19 का एवरेज है, प्लस यहाँ पे 2 विकेट भी है पर बॉलिंग काफ़ी कम कराते हैं और अभी विकेट कीपिंग कर रहे हैं तो बॉलिंग का तो चांस ही नहीं है। फर्स्ट मैच में 11 बनाए, सेकंड में 4 बनाए। सुरेश विकास का देखेंगे, T20 के 2 मैच खेले, 3 विकेट है, फर्स्ट मैच में 2 ओवर डाले, 1 विकेट निकाला, सेकेंड मैच में भी 3 ओवर इनको मिले, 2 विकेट भी लेके गए, तो ठीक ठाक इनका परफॉर्मेंस रहा है, आप लोग ट्राई कर सकते हो, हालांकि ओवर इनके भी कटे हैं। उसके अलावा यहाँ पे KS निषाद है, 22 मैच में 514 रन है, 27 का एवरेज है, 34 विकेट है, फर्स्ट मैच में 2 ओवर की बॉलिंग, 0 विकेट, लास्ट मैच उसके बाद सेकेंड मैच में 0 रन्स, बॉलिंग नहीं मिली, लास्ट मैच में ना इनको बॉलिंग मिली ना बैटिंग मिली, तो ये भी उतने इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे पर आप लोग GL की टीम में इनको ट्राई कर सकते हो। मोहम्मद इश्तियाक की दोस्तों बात करें, 37 मैच में 355 रन, 16 का एवरेज,
29 विकेट। फर्स्ट मैच में यहाँ पे 0+1 विकेट 4 ओवर, सेकंड मैच में 0 विकेट 3 ओवर, तो ठीक ठाक इन्होंने बॉलिंग कराई है। शफीक जन का देखेंगे 13 मैच में 67 रन से 13 विकेट हैं, तो इनका दोस्तों अगर आप देखेंगे तो इन्होंने ठीक ठाक बॉलिंग कराई है। फर्स्ट मैच में पूरे यहाँ पे देखेंगे तो 8 रन बनाए, 0 विकेट 4 ओवर पूरे डाले, सेकेंड मैच में 2+4 विकेट 4 ओवर और थर्ड मैच में 0 विकेट 3 ओवर, तो ठीक ठाक इनको बॉलिंग मिली है, तो ये इनको आप लोग ट्राई कर सकते हो। बाकी यहाँ पे कशुन एकनायका की दोस्तों बात करें तो इन्होंने भी काफ़ी अच्छी बॉलिंग यहाँ पे कराई है। फर्स्ट मैच में 3 ओवर 4 ओवर 4 ओवर, तो अच्छी खासी कराई है। फर्स्ट मैच में देखेंगे तो विकेट नहीं मिला, सेकेंड मैच में 3 विकेट निकाले, उसके बाद लास्ट मैच में 1 विकेट मिला, तो 3 मैच में 4 विकेट भी लिए और अच्छी खासी बॉलिंग भी कराई है। तो इनको भी आप लोग ट्राई करना चाहो तो अपनी टीम में कर सकते हो। बाकी दोस्तों इनमें से कोई खेलेगा वो तो टॉस के बाद मैं आपको बता दूंगा। बाकी अगर आप लोग इनका यहाँ पे स्टार्ट देखना चाहें तो आप लोग यहाँ पे स्क्रीनशॉट इनका ले सकते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों हम लोग अपनी टीम देख लेते हैं जो फिलहाल मैंने बनाई है आप लोगों के लिए, पर उससे पहले अगर अभी तक आप लोग मेरे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम से जुड़ना आप लोगों का काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि टॉस के बाद जो मेरी फाइनल टीम होगी वो मैं आपको अपने टेलीग्राम पर ही देने वाला हूँ, तो आप लोग जुड़ जाइए। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल का। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग अपनी टीम देख लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने विकेट कीपिंग में ए उस्मानी को लिया है, बैटिंग सेक्शन मैंने यहाँ पे सिर्फ एक ही बैट्समैन को पिक किया है, यहाँ पे ऑलराउंडर सेक्शन मैंने यहाँ पे मकसूद को लिया है और यहाँ पे इलियास को लिया है, कलीम को लिया है, महमूद को लिया है, ए खान को लिया है, डब्लू अली को लिया है। बॉलिंग सेक्शन में मेरे पास यहाँ पे 3 बॉलर्स हैं, एफ बोट्टे, के एकनायका और ए ललचेता है, तो मैंने ये 3 बॉलर्स को अपनी टीम में पिक किया। अब यहाँ पे दोस्तों इनके अलावा अगर बात करें तो एस साहिल कोई खास ऑप्शन नहीं है, 19 का एवरेज रखते हैं, बैटिंग करने काफ़ी नीचे आते हैं, हालांकि अपने टीम से विकेट कीपिंग कर रहे हैं, तो फर्स्ट इनिंग में आप लोग इनको जीएल की टीम में ट्राई कर सकते हो। बाकी स्मॉल लीग में यहाँ पे उस्मानी बेस्ट है, इनको ही लेके चले। बैटिंग सेक्शन में दोस्तों मैंने यहाँ पर फिलहाल के लिए इनको ही लिया है, करुणा रत्न, इनका आप लोग नाम देख लेना काफ़ी लंबा नाम है। इनके अलावा दोस्तों इरफाक की बात करें ठीक ठाक ऑप्शन है, उतना अच्छा स्टार्ट रखते नहीं है। उसके अलावा धर्मश्री भी एक एवरेज ऑप्शन है, जीएल की टीम में ट्राई कर सकते हो अगर खेल जाते हैं। एस पाल अगर खेलते तो इनको आप लोग स्मॉल लीग में भी कर सकते हो, क्योंकि 31 का एवरेज है और अच्छी खासी हिटिंग भी करते हैं। बाकी मिर्जा भी एवरेज ऑप्शन है, के निषाद दोस्तों एक अच्छे प्लेयर है, अच्छा स्टार्ट है, पर ये बॉलिंग भी अच्छी खासी कराते हैं, पर इस सीरीज में उतनी ज़्यादा बॉलिंग मिल नहीं रही है, तो जीएल की पिक रहेंगे। बाकी यहाँ पे मुजमिल हुसैन की बात करें एक एवरेज है, ये भी कुछ खास स्टार्ट है नहीं। सद्दात की बात करें उतने अच्छे यहाँ पे रहेंगे नहीं। विकास की दोस्तों बात करें तो इनके जो आपको ये पॉइंट दिख रहे हैं इन्होंने बॉलिंग से दिए हैं, तो इनको आप लोग ट्राई कर सकते हो, बॉलिंग इन्होंने ठीक ठाक कराई है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो दोनों मैच में यहाँ पे इनका ठीक ठाक परफॉर्मेंस रहा है, तो इनको आप लोग ट्राई करना चाहो कर सकते हो। वैसे ओवर कट रहा है इस वजह से मैंने नहीं लिया, बाकी आप लोग ट्राई करना चाहो तो कोई ख़राब ऑप्शन नहीं है। अब यहाँ पे दोस्तों ऑलराउंडर सेक्शन मैंने यहाँ पे 6 ऑलराउंडर्स लिए हैं अपनी टीम में, इनके अलावा दोस्तों ए खान भी एक ठीक ठाक चॉइस हो सकते हैं, हालांकि ये भी उतनी ज़्यादा ओवर करा नहीं रहे और 3 मैच में सिर्फ एक ही मैच में परफॉर्मेंस किया है, और वैसे भी एक एवरेज ऑप्शन है, तो मैंने फिलहाल के लिए नहीं लिया। आप लोग पिक करना चाहो कर सकते हो। कमल दोस्तों एक अच्छे प्लेयर है, हालांकि इनको पूरा चांस नहीं मिल रहा है, बाकी अच्छा स्टार्ट रखते हैं, ओवरऑल अच्छे प्लेयर हैं, तो अगर पूरा मौका मिलता है तो एक अच्छी चॉइस रहेंगे, तो इनको आप लोग जीएल की टीम में जरूर ट्राई कर लेना। सिलेक्शन ओनली 3% है, पर काफ़ी बेहतरीन इनका रिकॉर्ड है। एस महमूद यहाँ पे इंपॉर्टेंट अपने टीम के कैप्टन है, पूरे 4 ओवर दे रहे हैं। वक्त डब्लू अली दोस्तों आपको ट्विटर पर बल्लेबाजी करते हुए दिख रहे हैं, अच्छी खासी बॉलिंग भी करा रहे और अच्छी खासी हिटिंग भी की है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा यहाँ पे बात करें ए बिस्ट की, तो ये कोई खास स्टार्ट है नहीं, मच्छी आपको ओपनिंग करने आ रहे हैं पर उतना अच्छा स्टार्ट नहीं रखते, पर आप लोग जीएल की टीम में इनको ट्राई कर सकते हो। ए खान ने दोस्तों बल्ले से काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस किया है, इस वजह से मैंने इनको लिया है, काफ़ी तेज़ी से रन किए हैं, तो मैं यहाँ पर इनको लेके चल रहा हूँ। अब यहाँ पर बॉलिंग सेक्शन में बात करें तो यहाँ पे दोस्तों मैंने एफ बुट को लिया है। उबेद उला की बात करें तो इनका ठीक ठाक स्टार्ट है, एक बार मैं देख लेता हूँ फिर से। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो उबेद उला 42 मैच खेले हैं, 469 रन हैं, 18 का एवरेज है, 30 विकेट, तो इनका ठीक ठाक स्टार्ट है, खेल जाते हैं तो ट्राई आप लोग कर सकते हो। इनके अलावा दोस्तों नीचे बात करें तो अराफत एवरेज ऑप्शन है, उतना अच्छा स्टार्ट्स नहीं है। बी मोहम्मद सागर ये प्लेयर खेल जाता है तो इसको आप लोग ट्राई कर सकते हो, इनका काफ़ी अच्छा है, 33 मैच में 37 विकेट ले चुके हैं और ठीक ठाक स्टार्ट्स है। एस जन की बात करें दोस्तों तो इन्होंने भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस किया और ठीक ठाक बॉलिंग भी करा रहे हैं, तो इनको भी आप लोग ट्राई कर सकते हो। इस्तिहाक उतने अच्छे नहीं रहेंगे, जीएल की टीम में ट्राई करना। एक खान भी एक ठीक ठाक ऑप्शन है पर जीएल की पिक रहेंगे, क्योंकि ओवर इनके भी कटना है। एक नायका दोस्तों अच्छी खासी बॉलिंग कराई है और इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है, तो
मैंने यहाँ पे इनको पिक किया है। हालांकि अगर इनकी टीम सेकेंड इनिंग में बॉलिंग कराए तो आप लोग इनको ड्रॉप करके भी चल सकते हो, मैं भी कर सकता हूँ। फिलहाल के लिए मैंने लिया है अली, उतने अच्छे अली का ठीक ठाक है, पर ये अभी खेल नहीं रहा है। ए लाल चेता की दोस्तों बात करें, ये आपको वन डाउन पर बैटिंग करते हुए दिख रहा है, प्लस अच्छी खासी ये बॉलिंग भी कराते हैं। हालांकि बॉलिंग से इनके ओवर कटे हैं, लास्ट मैच में बॉलिंग ही नहीं मिली थी, पर उससे पहले यहाँ पे इन्होंने बॉलिंग ठीक ठाक कराई है, तो इंपॉर्टेंट है। अच्छा खासा इन्होंने परफॉर्म किया, तो मैंने यहाँ पे फिलहाल के लिए इनको लिया है। तो फिलहाल दोस्तों जो मेरी यहाँ पे टीम बन रही है वो यहाँ पे कुछ इस प्रकार है। यहाँ पे दोस्तों सीवीसी ऑप्शन की बात करें तो मैंने अपनी कैप्टनसी यहाँ पे इलियास को दी है, वाइस कैप्टनसी मैंने यहाँ पे मकसूद को किया। आपके पास जो अदर ऑप्शन है वो यहाँ पे डब्ल्यू अली का ऑप्शन है। इसके अलावा अगर आप लोग थोड़ा सा अलग जाना चाहें तो एफ बुट और ए कलीम, तो ये पांच अच्छे ऑप्शन सीवीसी के रहने वाले हैं। आप लोग जिसको करना चाहो कर सकते हो, वैसे सेफ ऑप्शन यही दोनों रहेंगे, सॉरी ये तीन रहेंगे, इन तीनों में आप लोग जिसको करना चाहो कर सकते हो। फिलहाल के लिए मेरी ये टीम है। अगर इस टीम में दोस्तों कुछ भी चेंज होगा तो आफ्टर टॉस आपको अपने टेलीग्राम पे बता दूंगा, तो उसके लिए आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल का। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। पूरा वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच दोस्तों।